और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। पहले बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखें कल हमें किस तरह का मार्केट देखने को मिल सकता है, आज का हमारा क्या प्लान था, क्या रिएक्शन मिला, ऑल ओवर चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हमने कल ये प्लान किया था कि मार्केट अपसाइड थोड़ा सा अग्रेसिव मूव करने का ट्राई करेगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर में वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा था, अगर आपको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये एरिया जो निफ्टी का है ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था और वहां पे आपको एक बार रिजेक्शन देखने को मिल चुका है। मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट अब ट्राई करेगा कि थोड़ा सा अग्रेसिव मूव करके 18,500 600 ये एरिया को रिक्लेम करने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट डे बना है, अभी आप देखोगे तो मोर देन 80 पॉइंट का मोमेंटम आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिल रहा है। डे आई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 130 पॉइंट का मोमेंटम आज भी आपको निफ्टी में देखने को मिला है। तो जिस तरह का हमने कल प्लान किया था उसी तरह का रिएक्शन हमें चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कल हमने ये प्लान किया था मार्केट अगर ये एरिया के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, मींस 18,340 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तब आप यहाँ पे कंटिन्यूशन में बाइंग प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया हमने प्लान किए थे 18,390 400 एंड 450 तक के टेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पे निफ्टी का मूव अगर आप देखोगे तो 130 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ने किया है। ठीक है, ये एरिया को अगर आप देखोगे तो मैंने मॉर्निंग में आपको ब्रेकआउट होते ही आपको यहाँ पे कहा था कि निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है और सेम एरिया के लगभग तब मार्केट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18,340 समथिंग का हाई तब के टाइम पे निफ्टी ने लगाया था, उसके बाद पुल बैक लिया, सेम एरिया को रिटेस्ट किया, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट यहाँ पे था एंड थर्ड टारगेट 18,450 के लगभग हमें देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों हमने जिस तरह का प्लान किया था सेम रिएक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखेंगे कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं और किस तरह का रिएक्शन हमें कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एरिया आप मार्क करके रख सकते हो जहाँ पे मैंने मार्क किया और ये कैंडल का हाई, ये काफी अच्छा सपोर्ट वर्क कर सकता है। अभी आप देखोगे तो मार्केट सेम एक सपोर्ट एरिया के लगभग क्लोज हुआ है, यहाँ पे 3 से 4 कैंडल का कंसोलिडेशन था, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा होगा जिसमें हमारे थर्ड टारगेट जो थे हमने प्लान किए थे उस तरह के टारगेट हिट होते हुए दिखे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सपोर्ट एरिया यहाँ पे रहने वाला, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 18,340 ये रेंज में, अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो तब आपको काफी चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे फिर से एक पुल बैक अपसाइड के लिए देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से आप फिर से लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक दो कैंडल्स होल्ड करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है अपसाइड, तो यहाँ पे फिर से चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट कंटिन्यूशन में अपसाइड मूव करे। 18,440 ये आपका टारगेट एरिया रहना चाहिए जो अभी यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाता है निफ्टी तो नेक्स्ट टारगेट एरिया आपका 18,460 470 जो आज का हाई है वो रहना चाहिए। ठीक है, सेलिंग के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप अग्रेसिव शॉर्ट करना प्लान करते हो तो 18,380 370 ये रेंज के नीचे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, बट उसमें आपके टारगेट एरिया जो रहने चाहिए 18,330 320 ये रेंज में आपका टारगेट एरिया रहना चाहिए। मींस यहाँ पे ज्यादा स्पेस हमारे पास है नहीं है, यहाँ पे काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट हुआ तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए जो भी बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें, पुल बैक अगर उनको मिलता है नीचे मार्केट मिलता है तो वहाँ पे बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया फिर से आप सेम प्लान करोगे 18,400 18,450 की रेंज में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के लगभग फिर से आता है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। टारगेट एरिया जो हमने प्लान किया था यहाँ से 44,000 हमने टारगेट एरिया प्लान किया था, 44,000 या 44,050 के लगभग आपका टारगेट रहना चाहिए। अभी मार्केट सेम यहाँ पे फिर से क्लोज कर चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने 44,000 के ऊपर क्लोज करने के बाद अच्छे से होल्ड किया, उसके बाद आपको देखोगे तो 44,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया। तो अभी बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग अगर आप प्लान करोगे तो सेम इस हाई के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, मीन 44,160 या 145 ये रेंज के लगभग थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए आज के हाई के ऊपर, एक दो कैंडल्स 5 मिनट की कंसोलिडेशन करके, उसके बाद अगर कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट होगा तो तब आपको फिर से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, टारगेट एरिया जो रहेंगे आपके 44,250 एंड 350 तक के टारगेट आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो 44,500 की रेंज में रहेगा। स्पोर्ट एरिया अगर आप देखोगे तो अभी आपका 44,000 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट एरिया रहने वाला है।
ठीक है, अगर हम सेलिंग प्लान करेंगे तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वन वे मोमेंटम है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन अभी दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सेलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का स्ट्रक्चर है नहीं है कि आप बैंक निफ्टी में अग्रेसिव शॉर्ट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है 44,000 को ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे 43,950 पे आपको एक्सपोर्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट स्पोर्ट एरिया आपका यहाँ पे 43,900 पे मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपके स्पोर्ट एरिया बहुत पास रहेंगे, तो जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करें, हो सकता है अगर आपको नेक्स्ट डेज या आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए बनता है तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम शॉर्ट प्लान करें। ठीक है, बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें फिन निफ्टी में भी देखने को मिला। ये इसका भी एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है यहाँ पे इसको अगर आप मार्क कर लोगे, ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया आपका रहने वाला है 19,500 की रेंज में। ठीक है, 19,500 काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है फिन निफ्टी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया रहने वाला है आपका 19,440 की रेंज में। ठीक है, यहाँ पे अगर 500 के नीचे फिन निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन करता है, तो 19,440 तक के लेवल्स आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट प्लान कर रहे हो तो आपका क्वांटिटी साइज कम रहना चाहिए, क्योंकि फिन निफ्टी में भी अभी सेम फ्रेश ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, 500 का एरिया आप मार्क करके रख सकते हो। ऊपर अगर आप देखोगे तो फ्रेश बाइंग आपको 19,630 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप अग्रेसिव लॉन्ग करते हो तो यहाँ पे 19,615 के ऊपर भी लॉन्ग प्लान कर सकते हो, क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखना, मेजर बाइंग आपका 19,630 के ऊपर ही रहना चाहिए, टारगेट एरिया आपका 19,680 एंड 19,700 की रेंज में रहना चाहिए। यूएसडी का भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो जिस तरह का हमने स्ट्रक्चर प्लान किया था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया यूएसडी का रहेगा वो 82.30-40 ये रेंज में रहने वाला है। तो अभी यूएसडी एक रेजिस्टेंस एरिया के लगभग पहुंच चुका है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो आपको यूएसडी में फिर से एक फ्लो में मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसमें आपके टारगेट एरिया 82.60-82.80 रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। वो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।